हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू नवांकुर डिग्री लेसन्स फ्रॉम द हाउस ऑफ नवांकुर। टी ओ डी ए वाई टूडे, डब्ल्यू ई वी डब्ल्यू आई एल एल वेल, आर ई ए डी रीड, टी एच आई एल दिस, ए एन डी एंड टी एच ए टी दैट। यानी आज हम दिस और दैट के बारे में पढ़ेंगे, यानी दिस और दैट का उपयोग हम कहाँ करते हैं आज हम देखेंगे। टी एच आई एस दिस, आई एस इज, यू एस ई डी यूज, एफ ओ आर फॉर, पी ओ आई एन टी आई एन जी पॉइंटिंग, एन ई A R L Y nearly, O B J E C T F objects, over or T H I N G S things। यानी this के लिए यहाँ उपयोग करते हैं, जो चीज़ें हमसे पास होती हैं, हमारे पास होती हैं, उसके लिए हम क्या उपयोग करते हैं, this T H I S this, यानी यह है। एन ई ए आर नियर, नियर मतलब पास, जिसका उपयोग कहाँ पर होता है, जो पास होता है उसके लिए हम क्या उपयोग करते हैं, दिस। टी एच ए टी दैट, आई एस इज, यू एस ई डी यूज, एफ ओ आर फॉर, पी ओ आई एन टी आई एन जी पॉइंटिंग, डी आई एस टी ए एन सी डिस्टेंस, O B J E C T S objects, or T H I N G S thing। यानी जो वस्तुएं हमसे दूर होती हैं उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, that। तो T H A T that, F A R far मतलब दूर, जो this T H I S this, this means यह है, N E R near, near मतलब पास, T H A T that, that यानी वह, F A R far मतलब दूर, जो चीज़ हमारे पास होती है उसके लिए हम क्या उपयोग करते हैं, this, जो हमसे दूर होती है उसके लिए हम क्या उपयोग करते हैं, that। अब ये क्या है बच्चों, when, this T H I S this, when, ये when कैसी है, पास है, इसके लिए क्या उपयोग करेंगे, दिस। दैट, दैट व्हेन, ये व्हेन कैसी है, दूर है, तो क्या उपयोग करेंगे, दैट। यानी ये नियर, ये व्हेन कैसे है, हमारे पास है, नियर है, इसके लिए क्या उपयोग करेंगे, दिस। ये व्हेन कैसी है, फार है, दूर है, तो इसके लिए क्या उपयोग करेंगे, दैट। यानी नियर मतलब पास, जो चीज़ हमारे पास पास होती है उसको नियर, दिस का उपयोग करते हैं, और जो चीज़ दूर होती है उसके लिए दैट का उपयोग करते हैं। टी एच आई ए दिस, दिस काइट, यह काइट कैसी है, पास है कि दूर है, पास है, इसीलिए दिस। ये काइट कैसी है, दूर है, इसके लिए क्या उपयोग करेंगे, दैट। ये काइट पास है, नियर है, इसीलिए दिस। ये काइट फार है, दूर है, इसके लिए दैट। यानी नियर मतलब पास यानी दिस, फार मतलब दूर यानी दैट। दिस काइट, दिस दैट काइट, यानी यह काइट पास है और यह काइट दूर है, इसलिए दैट काइट। दिस लॉयन, नियर है, हमसे पास है, पास है, तो इसके लिए क्या बोलेंगे, दिस, दिस लॉयन, यानी यह लॉयन पास है, इसलिए दिस। दैट, टी एच ए टी दैट, यह लॉयन फार यानी दूर है, इसके लिए क्या बोलेंगे, दैट। नियर है यानी दिस, फार है यानी दैट, यानी जो चीज़ पास होती है उसके लिए दिस, जो चीज़ दूर होती है उसके लिए दैट। तो लॉइन
पास है तो दिस, लॉइन दूर है तो दैट। आइए अब कुछ अब दिस और दैट का उपयोग हम सेंटेंस में देखते हैं। दिस इज अ मैंगो, यानी यह मैंगो नियर है, पास है, तो इसके लिए क्या बोलेंगे, दिस इज अ मैंगो। यह मैंगो कैसा है, दूर है, तो इसके लिए क्या बोलेंगे, दैट इज अ मैंगो, क्योंकि ये दूर है, फार है, तो क्या बोलेंगे, दैट इज अ मैंगो। दिस इज अ कार, यह कार नियर है, पास है, तो क्या बोलेंगे, दिस इज अ कार, यह एक कार है, यह पास में है। यह कार कैसी है, दूर है, फार है, तो क्या बोलेंगे, दैट इज अ कार, यानी वह एक कार है, क्योंकि वह दूर है। दिस इज अ चेयर, यह चेयर नियर है, पास है, तो क्या बोलेंगे, दिस इज अ चेयर, यह चेयर दूर है, फार है, तो क्या बोलेंगे, दैट इज अ चेयर। दिस इज अ चेयर, यानी यह एक चेयर है, दैट इज अ चेयर मतलब वह एक चेयर है। आइए आप कुछ पिक्चर देखकर आपको उनके लिए दिस और दैट का उपयोग करना है। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद दिस और दैट। हैंड, तो क्या आएगा, ये हैंड कहाँ पर है, पास है, तो दिस इज अ हैंड, क्या आएगा, दिस इज अ हैंड, क्योंकि ये पास है। ये पेन कहाँ पर है, पास है कि दूर है, दूर है, इसके लिए क्या आएगा, दैट इज अ पेन। दिस इज अ हैंड, यह एक हैंड है, दैट इज अ पेन, वह एक पेन है, क्योंकि पेन दूर है और हैंड पास है, तो दिस इज अ हैंड, दैट इज अ पेन। ये क्या है, पास है टेलीविजन, तो दिस इज अ टेलीविजन, क्योंकि ये टेलीविजन पास में है, तो दिस इज अ टेलीविजन, यह एक टेलीविजन है। और ये क्या है, ट्रेन, ट्रेन कहाँ पर है, पास है कि दूर है, दूर है, तो क्या बोलेंगे, दैट इज अ ट्रेन, यह एक टेलीविजन है, वह एक ट्रेन है, क्योंकि यह दूर है, तो दूर के लिए क्या उपयोग करते हैं, वह फार है, तो क्या बोलेंगे, वह एक ट्रेन है। बॉल, तो ये बॉल क्या है, पास है कि दूर है, पास है, तो दिस इज अ बॉल, क्योंकि ये पास है, तो यह एक बॉल है। ये क्या है, हॉर्स, ये पास है कि दूर है, दूर है, तो क्या बोलेंगे, दैट इज अ हॉर्स, क्योंकि यह दूर है, वह एक हॉर्स है, या घोड़ा है, वह एक घोड़ा है, यह एक बॉल है, तो यह के लिए क्या बोलेंगे, दिस, वह के लिए क्या बोलेंगे, दैट, जो हमारे पास होता है वो दिस, जो दूर होता है वह दैट। ये सन की पिक्चर, पास है कि दूर है, पास है, तो क्या बोलेंगे, दिस इज अ सन, क्योंकि यह पास है। यह फिश कैसी है, दूर है कि पास है, यस पास है, तो क्या बोलेंगे, यह दूर है, तो क्या बोलेंगे, दिस इज अ टेम्पल, यह टेम्पल पास है कि दूर है, यह टेम्पल पास है, तो क्या बोलेंगे, दिस इज अ टेम्पल, यह एक मंदिर है। यह एक ट्री है, यह ट्री दूर है कि पास है, यह ट्री दूर है, तो क्या बोलेंगे, दिस दैट इज अ ट्री, वह एक पेड़ है। दिस इज अ टेम्पल, यह एक मंदिर है। दैट इज अ ट्री, वह एक पेड़ है, क्योंकि मंदिर पास में है, नियर है, इसलिए दिस, ट्री दूर है, फार है, इसलिए दैट। ओके बच्चों, थैंक यू।